हाय गाइस, वेलकम टू द मोटर विजन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक है तो उसका जो अगर लैग गार्ड है ये ब्रेक हो चुका है तो आप इसको किस तरह चेंज करवा सकते हो। पूरा चेंज करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि इसके पूरे की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, तो वो आपको चेंज करवाने की ज़रूरत है या नहीं। और एक माउंट होता है, अगर वही ब्रेक हुआ तो सिर्फ वो आप कैसे चेंज करवा सकते हो वो आपको खुद चेक करना है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने जब ये अपनी बाइक ली तो मैंने ये वाला लैग गार्ड लगवाया था, इसका नाम है एयरफ्लाई। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड से काफ़ी बार मेरे से बाइक ऐसे खड़े खड़े पलट गई है, तो इसने काफ़ी अच्छा बचाया, मुझे कभी बिल्कुल नहीं लगी। तो ये देख सकते हो इसके यहाँ से, इसको कितना ऐसे डैमेज आया है, लेकिन फिर इसने बचा लिया बाइक को, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बाइक नीचे टच ही नहीं होती अगर ये टच हो जाता है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। मुझे तो यही अच्छा लगता है, बाकी आपको जो भी अपनी बाइक पर अच्छा लगता है आप लगवा सकते हो। अब जिसमें ब्रैकेट की बात कर रहा था वो ये है, ये जो ब्रैकेट है ये आपको खुद पता करनी है कि आपकी ब्रैकेट यही वाली ब्रेक हुई है या कहीं और से ब्रेक हुआ है। क्योंकि मेरी बाइक का अभी कुछ टाइम पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तो यहीं से ब्रेक हुई थी ये वाला माउंट। और ये वाला आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अपने बाइक में सिर्फ यही चेंज करवाना है तो आप खुद भी कर सकते हो और उनसे भी करवा सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उनसे करवा लो और वहाँ आप जाके पूछोगे सर्विस सेंटर में कि मुझे सिर्फ इसका ये वाला माउंट चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। तो जैसे मैंने भी ये परचेज़ किया था वहाँ से, तो आप उनसे चेंज करवा सकते हो। इसकी कॉस्टिंग कोई 1000 के आसपास पड़ेगी। अगर आपको उनसे नहीं भी करवाना है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, ये जैसे अमेज़ोन पे अवेलेबल है। ये आपको ऐसे सर्च कर लेना है, गूगल पे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला आ रहा है, अभी इसकी 949 प्राइस है, 1000 के आसपास ही पड़ जाता है। तो आपको ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेना है, ऐसे गूगल पर सर्च करोगे तो आ ही जाएगा। मैंने सर्च किया रॉयल इनफील्ड लैग गार्ड माउंट, तो यहाँ पर आ गया। आपको देखना है अपनी बाइक के लिए, तो पहले तो आप उन्हीं से लगवा लेना, नहीं तो आप ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको खुद भी ओपन करके लगा सकते हो। आपको ये वाले नट ओपन करने पड़ेंगे, जो ये वाले हैं लैग गार्ड के, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और ये तो ब्रेक ही हुआ होगा, इसके ये वाले दो नट्स ओपन करने पड़ेंगे। और फिर इसके पीछे भी यहाँ पर भी कुछ नट्स होते हैं, ये वाला एक ही साइड है और एक उस साइड भी है, ये ओपन करके आप नया वाला लगा के फिर लगा सकते हो। तो आपको ये पूरा चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, अराउंड आई थिंक 4000 या 3800 के आसपास आती है। तो हाँ, अगर आपका ये ब्रेकेज है तो फिर तो आपको कराना पड़ेगा, लेकिन अगर इससे काम चल रहा है सिर्फ आप वो चेंज करवा के भी अपना काम चला सकते हो। तो ये इस तरह आपका जो लैग गार्ड है ये 1000 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सिर्फ वही कराया, बाकी काम तो इंश्योरेंस में क्लेम करके करवा दिया। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो कितना टाइम लगा, इंश्योरेंस को क्या हुआ सब कुछ। और ठीक है, रखते हैं फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।